कैसे हो वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन अभी थोड़ी देर पहले जो इंफॉर्मेशन आई है वो मेरे को लगा कि मेरे को बच्चों के साथ में शेयर करनी चाहिए ताकि एक uh, सबके पास में रहे. सो सम स्टूडेंट गेट दिस रिक्वेस्ट इज प्लीज सी एंटायर वीडियो कृपया करके पूरा वीडियो देखें ताकि आपके पास एक सही इंफॉर्मेशन हो अभी अभी जस्ट नाउ वी हैव इंफॉर्मेशन द आई दैट सी टी पोस्टपोन अगेन आई एम रिपीटिंग इट्स इट्स नॉट सो आर स्टूडेंट आर गेटिंग पैनिक दे डोंट नीड टू बी पैनिक दमसेल्फ यू कैन सी ओवर हियर इट्स रिटर्न ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दूस वॉज शेड्यूल्ड ऑन ट्वेंटी नाइन Stand cancelled. Alternative date and mode of CT will be informed by IMU website and your email. So this is the things which is mentioned over here. Now we will try to understand what they are going to inform us with us. The first thing they have informed us that examination will not in the nine, uh, 29. So we we uh, don't need to be panicked, It's not cancelled. एंड डोंट थिंक इन दिस वे ऑल्सो कि ये कंडक्ट नहीं होगा लाइक डोंट थिंक की द एग्जामिनेशन विल नॉट कंडक्ट एग्जाम होगा नहीं ऐसा बिल्कुल ना सोचें एग्जाम हंड्रेड परसेंट होगा और किसी दूसरे दिन होगा अब देर कुड बी सम रीजन रीजन नंबर वन ऐसा हो सकता है बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट सेंड ई मेल्स टू द आई एम यू दैट दट द रफ शीट कॉलअप विच इज मैंशन इन दैट

दूसरा रीजन ये हो सकता है कि काम यू ये सोच रहा हो कि अब जो है कोविड नॉर्मल कंडीशन में आ गया है तो जो एग्जाम है उसे ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाए ऑफलाइन का मतलब हो गया कि आपको सेंटर्स पे बुलाया जाएगा मीन्स देयर कुड बी अ चांस दे कॉल यू ऑन एग्जामिनेशन सेंटर दे विल गिव यू चांस टू फिल योर एग्जामिनेशन सेंटर एंड देन दे कॉल यू ऑन द एग्जामिनेशन सेंटर एंड यू विल गो ओवर देयर and then you will give the examination. This could be a second reason. and the third reason may be there may happen something in IMU which is maybe bigger than this IMU CET examination. that's why there could be they are going to postpone this examination. ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी घटना हुई हो एडमिशन में जिसकी वजह से ये IMU CET से भी वो बड़ी घटनाओं जिसकी वजह से उन्होंने postpone किया. but मैं फिर से repeat करूँगा. ऐसा कोई भी ना सोचे कि जो एग्जामिनेशन है वो कैंसिल हो जाएंगे या नॉर्मलाइजेशन मेथड से हो जाएंगे नहीं हंड्रेड परसेंट एग्जामिनेशन होगा आप अपनी प्रिपरेशन मत छोड़िए प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखिए राइट आप बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे होंगे कि जैसे एग्जामिनेशन अगर ऑफलाइन होगा तो हमसे सेंटर नहीं भरवाए नहीं आप उसकी चिंता मत करिए हर स्टेट में अगर ये एग्जाम ऑफलाइन होता है तो हर स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट जरूर दिया जाएगा जहां पर आप एग्जामिनेशन जाके दे सकते हो लाइक आई एम यू इन ए स्टेट देयर विल बी वन डिस्ट्रिक्ट विच विल बी अलोकेटेड फॉर दिस आई एम यू सी टी एग्जामिनेशन सो यू गाइज डोंट नीड टू बी पैनिक दिस वर्क यू हैव टू लीव टू द आई एम यू आई एम यू विल हैंडल दिस वर्क यू गाइज नीड टू बी डू द प्रिपरेशन वेल एंड डोंट नीड टू बी पैनिक अदर थिंग्स प्रॉपरली एवरी डे आई एम यू की वेबसाइट चेक करते रहिए दूसरा ग्रुप्स चेक करते रहिए क्योंकि इंफॉर्मेशन आती रहती है मेरा यूट्यूब चैनल भी चेक करते रहते हैं जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी मैं सबसे पहले डाल के सही इंफॉर्मेशन आपको दूंगा और आप अपने ई चेक कर सकते हो क्योंकि सबसे पहले जो भी नया चीज आएगा वो आपको ई के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा अब बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि पुराने मेथड से एग्जाम होगा या नए मेथड से दिस एवरीथिंग विल बी इन्फॉर्म यू सी इफ देयर कुड बी चांस की यू नीड टू बी गिव ए चांस वंस अगेन टू डाउनलोड योर एडमिट कार्ड सो दैट ऑल्सो विल बी प्रोवाइडेड बाई द आई एम यू एंड यू डोंट नीड टू बी पे एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट कई बच्चों को डाउट आ रहा था क्या हमें दोबारा फीस देनी पड़ेगी नहीं जो फीस आप दे चुके हो उसी फीस में सब कुछ होगा आपसे आई एमयू दोबारा कोई फीस नहीं लेगा अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तब भी नहीं लेगा अगर सेम प्रोसेस से ऑनलाइन होता है तब भी नहीं लेगा ठीक है thank you a lot please share this video to everyone so that the candidate will not get panic and they'll do their well preparation thank you thank you for the watching